फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबी कुकिंग। आज हम गुजिया बनाएंगे। गुजिया होली की खास रेसिपी है। गुजिया को कई तरीकों से बनाया जाता है। आज हम मावा और सूजी की स्टफिंग भर के गुजिया बनाएंगे। गुजिया बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है उन्हें हम एक बार देख लेंगे। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल के नीचे लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। गुजिया बनाने के लिए हमने 2 कप मैदा लिया है और मैदे का चौथा हिस्सा भाग हमने घी लेना है। 1/4 कप घी है। 10-15 काजू लिए हैं। काजू को बारीक टुकड़ों में काट लिया है। 10-15 बादाम लेके इसको भी बारीक काट लिया है। 1 चम्मच किशमिश ली है। 1 कप हमने मावा लिया है, जो 100 ग्राम मावा है, और 1 कप बूरा, और 1/4 कप सूजी ली है। सबसे पहले हम मैदे को गूंद के तैयार कर लेंगे। बीच में जगह बना लेंगे हम इस तरीके से और घी डाल देंगे। घी को हम इस तरीके हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। घी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालेंगे। सख्त आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। देखिए, डो हमारा गूंद के तैयार हो गया है। इतना मैदे को गूंदने के लिए 1/2 कप के पास से भी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हो गया है। और अब हम इसे ढक के 15 से 20 मिनट तक सेट होने के लिए रख देंगे। और जब तक हमारा मैदा सेट हो रहा है, तब तक हम स्टफिंग को बना के तैयार कर लेंगे। पैन रख दिया गर्म होने के लिए। 2 चम्मच हम इसमें घी डाल देंगे। घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है, सूजी डाल देंगे और सूजी को हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। सूजी हमारी भून के तैयार हो गई है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे जिसमें हमने स्टफिंग तैयार करनी है। इसमें डाल देंगे। सेम पैन में हम जो ड्राई फ्रूट्स हमने काट के रखे हैं, बादाम और काजू, इन्हें भी हल्का सा भून लेंगे ताकि इसमें हल्का सा क्रंचीनेस आ जाए। सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। किशमिश भी डाल देंगे और इसे हम उसी बाउल में निकाल लेंगे। मावा भी भून लेंगे। मावे को हल्का सा हमने गुलाबी रंग का करना है। खोया हमारा भून के तैयार हो गया है। इसे हम थोड़ा ठंडा करके उसके बाद हम इसे सूजी में डालेंगे। खोए को मिक्स कर देंगे। खोया ठंडा हो गया हमारा और अब हम इसे अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को हमने इसमें मिक्स कर लिया है। बूरा हमने पहले से ही डाल के रखा हुआ था और ड्राई फ्रूट्स और सूजी हमने इसमें भून के डाल दिए। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। इसे हम ढक देंगे और आटे को हम थोड़ा सा एक बार हाथों को घी लगा के ग्रीस कर लेंगे और अच्छे से इसे एक बार मसल के तैयार कर लेंगे। आटा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे लोइयां तोड़ लेंगे और पूरी की तरह हम इसे बेल के तैयार करेंगे। सभी पेड़े को मैंने बेल के तैयार कर लिया है और अब हम गुजिया बनाना शुरू करेंगे। इस तरीके का मैंने सांचा लिया है गुजिया बनाने वाला और इसके ऊपर हम इसे इस तरीके से रख देंगे और चम्मच की मदद से स्टफिंग भरना शुरू करेंगे। अच्छे से फुला लेंगे इसे और इसे इस तरीके से बंद कर देंगे।
सारी गुजिया हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। सारी गुजिया भर के हमारी तैयार हो गई है, और अब हम तेल रख देंगे तलने के लिए, गर्म होने के लिए रख देंगे तेल को। घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम एक-एक करके गुजिया डालना शुरू करेंगे। उतने गुजिया डालेंगे जितने की एक बार में आ जाए। गुजिया दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी के गुजिया भी हम इसी तरीके से तल के तैयार कर लेंगे। सारी गुजिया हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। और गुजिया हमारी सारी हमने तल के तैयार कर ली है, अब हम इसे सर्व करेंगे। लीजिए, गर्मा गर्म गुजिया बनके हमारी तैयार हो गई है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट गुजिया बनके तैयार हुई है। आप भी इस होली पे इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, और रेसिपी पसंद आने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।